मुझे, मैं क्या करूंगा यहां पर, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, राइट, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है तो हमें क्या देना है, हमें देना है सर सिंपली वी हैव प्रिंट एफ, राइट। Hey Codaholic, this is Yogesh Bisht and you are watching the Code Deck. इस सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन्हें थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच से समझ लिया है। उसी के साथ साथ हमने कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को भी समझा। हमने उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम, दैट इज योर डिस्काउंट ऑन शॉपिंग को भी सॉल्व करके देखा कि कैसे जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो काम करता है, राइट। आज की प्रॉब्लम जो है बेस्ड ऑन स्टूडेंट ग्रेड सिस्टम। आपने कई बार स्कूल्स में देखा होगा कि जो स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाते हैं वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं दिए जाते हैं, वो ग्रेड के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, राइट, कि ए प्लस, बी या फिर ए सी डी ई, राइट, इस टाइप के ग्रेड स्टूडेंट को दिए जाते हैं। तो आज की प्रॉब्लम उसी पर बेस है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रॉब्लम पर। The marks obtained by a student in a 5 different subject are inputted through the keywords. किसी स्टूडेंट को 5 different subjects में कितने marks मिले हैं वो कीबोर्ड की मदद से एंटर किए जाते हैं। The student gets a grade as per the following rules. तो कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, परसेंटेज अबव 90 तो ए ग्रेड में आएगा, परसेंटेज बिटवीन 70 to 90 बी ग्रेड, ठीक वैसे ही सी ग्रेड, डी ग्रेड, और फेल के लिए कुछ कंडीशन हमें दी गई है, राइट। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है, फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है कि जैसे यूजर अगर नंबर एंटर करे तो उसे उसका ग्रेड मिल जाए, राइट। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो हम कैसे इस प्रॉब्लम के लिए अप्रोच करते हैं एक एफिशिएंट सॉल्यूशन, राइट, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक को कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से आज बिल्ड करते हैं। So let's begin the video. So this is your the compiler screen. मैं यहां पर देव C++ compiler को यूज कर रहा हूं। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी compiler यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, जो C programming language का एक basic skeleton होता है वो मैं यहां पर already type कर चुका हूं, right? तो जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें जरूरत होती है studio.h header file को include कराने की। उसके बाद यहां पर मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज योर मेन फंक्शन, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज अ बेसिक हम मेन फंक्शन के अंदर ही कोडिंग करते हैं, राइट। तो सर अब बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की, कि सर हम कितने वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर करेंगे। हम जानते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन था कि यूजर 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर करेगा, राइट। तो सर बेसिकली मार्क्स आपको इंटीजर टाइप में ही गिवन होते हैं, या फिर 70, 80 out of 100, राइट। तो हम इंटीजर टाइप की ही वैल्यू इनको लेंगे, दैट इज योर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5, राइट। अब सर हमें जो ग्रेड बताना है वो परसेंटेज बेसिस पे बताना है। किस बेसिस पे? परसेंटेज बेसिस पे। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और परसेंटेज को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना जरूरी है। तो एक दूसरा वेरिएबल मैं यहां पर डिक्लेयर करता हूं, और हो सकता है कि आपका परसेंटेज किस में आए, पॉइंट में आए, राइट। तो इसलिए वो हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट, एंड दैट इज योर परसेंटेज, राइट। एट द लास्ट हमें क्या शो कराना है, हमें ग्रेड शो कराना है, राइट। तो ग्रेड शो कराने के लिए मुझे नहीं लगता कि यहां पर जरूरत हमें किसी दूसरे वेरिएबल की, राइट। सो दिस इज सिंपली योर द 5 वेरिएबल विच वी आर यूजिंग इन दिस प्रॉब्लम। अब सिंपली मैं यूजर से 5 वैल्यूज यानी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर करा लेता हूं। एंटर द मार्क्स ऑफ, राइट, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। अब यूजर 1 by 1 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर करेगा, और हम उसे 5 वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो यहां पर मैं स्कैन एफ यूज करने वाला हूं, एंड दैट इज योर परसेंटाइल डी फॉर द इंटीजर वैल्यू। अब यहां पर मैं जो करने वाला हूं वो अब तक हम इस सीरीज में नहीं हमने किया है, राइट। हमने, अगर हमें डिफरेंट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है तो हमने डिफरेंट वेरिएबल के लिए डिफरेंट स्कैनएफ चलाया है, राइट।
अगर एक वेरिएबल है तो एक स्कैनफ, दो वेरिएबल है तो दो स्कैनफ हमने यूज किए हैं, लेकिन यहां पर मैं पांचों की पांच वैल्यूज को एक ही स्कैनफ की मदद से लेने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। देन अगेन परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी, यानी पांच वेरिएबल को हमने वैल्यू लेनी है तो हम उसे क्या कर देंगे, पांच परसेंटाइल डी यूज कर देंगे। और ठीक यहां पर एम्परसेंट जहां पर हम यूज करते हैं राइट, एड्रेस की बात करूं तो वहां पर हम एस वन कॉमा एड्रेस ऑफ एस टू कॉमा एड्रेस ऑफ एस थ्री कॉमा एड्रेस ऑफ एस फोर कॉमा एड्रेस ऑफ एस फाइव राइट। तो ऐसे क्या होगा कि यूजर जो पहली वैल्यू एंटर करेगा वो एस वन में स्टोर हो जाएगी, जो दूसरी वैल्यू एंटर करेगा वो एस टू में स्टोर हो जाएगी, जो तीसरी वैल्यू एंटर करेगा वो एस थ्री में स्टोर हो जाएगी राइट। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगी पांच वैल्यूज पांच डिफरेंट वेरिएबल में राइट। अब सर हमें सबसे पहले फाइंड करना है दैट इज योर परसेंटेज राइट। तो सर हमारे पास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला सिंपली होता है दैट इज योर एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस एस फोर प्लस एस फाइव राइट एंड डिवाइड बाई 500 राइट। क्योंकि अगर पांच सब्जेक्ट है तो मार्क्स कितने होंगे, दैट इज योर 500 राइट। तो दैट इज योर 500। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, हमको पता है परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाई 100 राइट। तो यहां पर मैं सिंपली क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई बाई 100 एंड अगेन इसको मैं कर देता हूं ब्रैकेट के अंदर राइट। तो सर इससे जो भी हमारी वैल्यू होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी, यानी परसेंटेज हमें मिल जाएगा राइट। तो मुझे नहीं लगता कि जो यहां पर मैंने परसेंटेज के लिए फॉर्मूला लिखा है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए राइट, बिकॉज दैट इज अ इजी थिंग राइट। इजीली आप जो मैथमेटिक्स से एक सिंपल मैथमेटिक्स जिसे कह सकता हूं मैं, वो यहां पर मैंने यूज किया है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी एनी बिग स्टफ राइट। अब जो मेन काम है दैट इज योर कंडीशनल स्टेटमेंट। यहां पर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज योर लैडर कॉन्सेप्ट राइट, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ वाला, वो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं राइट। तो सर सबसे पहले जैसा कि हमें दिया गया था कि अगर 90 से ज्यादा मार्क्स हैं, मैंने क्या कहा कि अगर परसेंटेज 90 से ज्यादा है तो क्या करना है, ए ग्रेड देना है। तो सबसे पहले मुझे मैं क्या करूंगा यहां पर, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90 राइट, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है तो हमें क्या देना है, हमें देना है सर सिंपली वी हैव प्रिंट एफ राइट एंड यू गॉट ए ग्रेड राइट। सो दिस इज योर सिंपल थिंग, यहां पर कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या लिखा कि अगर परसेंटेज 90 से ऊपर है तो आपको क्या मिल गया, ए ग्रेड मिल गया। अब सर जो मेन कॉन्सेप्ट है लेडर का वो यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है। अब हमें क्या यूज करना पड़ता है, दैट इज योर एल्स इफ राइट। तो हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये इफ एल्स इफ क्या है, तो आपको रिकमेंड करता हूं कि जो इससे पिछली से पिछली वाली वीडियो है राइट, जो कंडीशनल स्टेटमेंट का एक थ्योरेटिकल पार्ट है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो के लिए अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपको वीडियो देखना जरूरी है तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अब एल्स इफ में जो दूसरी कंडीशन में दूंगा, क्या कहा गया था कि अगर मार्क्स आपके 70 और 90 के बीच में है राइट, 70% और 90% के बीच में है, तो सर मैंने क्या कहा, अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 राइट, और दूसरा क्या 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 कहा गया है कि अगर परसेंटेज 90 से कम होगा। अब सर ये दो कंडीशन को एक साथ कैसे लिखें, क्या सर ये दो कंडीशन को एक साथ कैसे लिखें, एक कंडीशन तो समझ में आती है ऐसे होगा, बट दो कंडीशन कैसे। तो सर यहां पर आता है दैट इज योर एंड ऑपरेटर, क्या कहा मैंने, एंड ऑपरेटर, या फिर आप इसे लॉजिकल ऑपरेटर भी कह सकते हैं राइट। तो सर एंड ऑपरेटर का साइन क्या होता है, आपको दो पार दो जो एम्परसेंटाइल है राइट, जो आप ये यूज करते हो परसेंटाइल जब वट एवर इज इट राइट, मैं सिंपली इसे एड्रेस के यूज करता हूं सिंपली राइट। तो यहां पर ये दो जो आपके सिंबल्स हैं उन्हें मैं यहां पर यूज करने वाला हूं राइट। इसका मतलब होता है एंड राइट, कि ये पहली कंडीशन और इसके बाद एक दूसरी कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है दीवारी, अगर परसेंटेज लेस देन 90 है राइट। तो डेफिनेटली आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, हम लेस देन इक्वल टू कर देते हैं राइट। तो यहां पर क्या, अगर ये स्टेटमेंट
और ये स्टेटमेंट, अगर ये दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू माना जाएगा। आपने ट्वेल्थ में जहां पर आपने गेट पढ़ा होगा वहां पर डेफिनेटली, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं राइट, तो वहां पर गेट का सिस्टम था एंड गेट वगैरह राइट। तो क्या होता है कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुई, जो परसेंटेज लेस देन 90 एंड परसेंटेज ग्रेटर देन 90, तभी ट्रू होगा। अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो गया, इट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी राइट। और इसके अंदर सिंपली मैं लिख देता हूं, अगर ये हुआ देन यू सिंपली हैव टू राइट प्रिंट एफ यू गॉट बी ग्रेड राइट। सो दिस इज योर स्लैश इन फॉर द न्यू लाइन। और सिंपली इसके बाद अब तो हमने इतना कर लिया है तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ईजी हो चुकी हैं। देन अगेन वी हैव एल्स इफ, अगर ये अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन दैट इज योर 55 राइट एंड परसेंटेज इज लेस देन इक्वल टू 70 राइट। तो आई होप कि जो यहां पर आपका एंड ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ चुका है। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, प्रिंट एफ एंड यू गॉट सी ग्रेड राइट। सो दिस इज योर सिंपल कॉन्सेप्ट, यहां पर कुछ भी कोई भी बड़ा बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है राइट। और जो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास थी दैट इज योर एल्स इफ, अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33, अगर जो परसेंटेज किसी स्टूडेंट को मिला है अगर वो 33 से ज्यादा है और अगर परसेंटेज इज लेस देन 55 राइट, लेस देन इक्वल टू 55, अगर परसेंटेज 33 से ज्यादा और 55 से कम है तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली प्रिंट करा देना है दैट इज योर प्रिंट एफ यू गॉट डी ग्रेड राइट। सो दिस इज योर एज सिंपल एज एनी अदर कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, इसका मतलब कि मार्क्स 33 से नीचे हैं या फिर 33 के इक्वल हैं राइट, तो उस कंडीशन में क्या करना है, एल्स अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमें करना है दैट इज योर प्रिंट एफ यू फेल्ड राइट। सो वी जस्ट सिंपली आंसर दैट इज योर यू फेल्ड राइट। सो दिस इज योर लैडर कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं लगता कि यहां पर आपको कुछ एडवांस चीजों की जरूरत है राइट। सो दिस इज योर सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट राइट, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ। यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज योर एंड ऑपरेटर राइट, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है कि एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड ऑपरेटर दो कंडीशन के बीच में यूज किया जाता है राइट, और वो दो कंडीशन कैसे काम करती हैं, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन गलत हुई तो पूरा रिजल्ट क्या होगा, गलत होगा। क्या कहा मैंने कि अगर इन दोनों में से जो दो कंडीशन है अगर इनमें से एक भी कंडीशन रॉन्ग हुई तो पूरा जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा राइट। सो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर एंड ऑपरेटर। एंड एट द लास्ट हम क्या कर देंगे, रिटर्न जीरो, क्योंकि जो हमारा मेन फंक्शन है आप यहां पर देख सकते हैं मेन फंक्शन किस टाइप का है, मेन फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, इसलिए हमने यूज किया दैट इज योर रिटर्न जीरो राइट। एंड वी जस्ट सिंपली कंपाइल एंड रन इट, सो इट इज सिंपली रन एंड एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स राइट। तो मैं यहां पर सिंपली 70 70 70 70 and 70 एंटर करता हूं तो हमें ग्रेड मिलना चाहिए, आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज योर 70% राइट। तो 70% के लिए यहां पर देखिए इज इक्वल टू और लेस देन 70% राइट, तो यहां पर हमें मिलना चाहिए सी ग्रेड, सो एंटर एंड यू गॉट सी ग्रेड राइट। सो दिस इज योर सिंपल थिंग्स। अगेन मैं किसी दूसरी कंडीशन के लिए चेक करता हूं राइट, मैं यहां पर डालता हूं योर मार्क्स दैट इज योर 34 एंड देन वी हैव 56 देन वी हैव 89 देन वी हैव अगेन 34 देन वी हैव 67 राइट, एंड यू कैन सी देयर यू गॉट सी ग्रेड राइट। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आपका 70 या फिर 55 और 70 के बीच में परसेंटेज आएगी, इट मींस यू गॉट सी ग्रेड राइट। तो आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम के लिए अप्रोच कर सकते हैं, जो आपका लॉजिक है वो आप इस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। इसकी जगह पर लैडर कॉन्सेप्ट की जगह पर आप यहां पर नेस्टिंग इफ कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपसे होप करता हूं कि आप उस कॉन्सेप्ट को जो नेस्टिंग इफ है उसे इस प्रॉब्लम पर यूज करेंगे और डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आप खुद से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मिल जाएगा। और उसके साथ अगर आप
कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो एक प्रॉब्लम अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, आप उस प्रॉब्लम को अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। राइट, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे लाइक बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक बटन पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा मोटिवेशन है वो बढ़ता है अगली वीडियोस को बनाने के लिए। राइट, सो स्टे अपडेटेड विद अस फॉर द प्रोग्रामिंग एंड टेक अपडेट्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन जीमेल लिंक और एनी ऑफ दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।